ऋषिकेश देहरादून हाईवे पर रानी पोखरी के पास जखन नदी का पुल टूटने से अब लोगों को 11 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर देहरादून जाना पड़ेगा। फिलहाल थानों से जाने वाला रास्ता भी जखन नदी के उफान के चलते बंद है। ऐसे में नेपाली फार्म से होते हुए जो वाहन देहरादून पहुंचेंगे उन्हें 11 किलोमीटर का लंबा सफर करना पड़ेगा। इसकी वजह से यात्रियों की जेब पर भी भार बढ़ेगा। यदि बात करें रोडवेज बस की तो पहले ऋषिकेश देहरादून के लिए 70 रुपये का किराया यात्रियों को चुकाना पड़ता था, जो अब 90 रुपये चुकाना पड़ेगा। यही नहीं, ऋषिकेश से रानी पोखरी तक जाने वाले यात्रियों को भी अब रोडवेज बस की जगह तिपहिया वाहन पर निर्भर रहना होगा। हालांकि उत्तराखंड परिवहन निगम ऋषिकेश डिपो के ARM PK भारती का कहना है कि यदि रानी पोखरी के लिए बस स्टैंड पर सवारियां होती हैं तो इसके लिए भी अतिरिक्त बस चलाई जाएगी। एक्चुअली इसमें आने जाने में आने का और जाने का, अब एक जाने का भी 11 किलोमीटर आने का भी 11 किलोमीटर है, तो इसमें 20 रुपये के लगभग किराया एक्स्ट्रा पड़ेगा। पहले कितना किराया था जो सीधा रानी पोखरी होते हुए था, और कितना किराया होगा? पहले जैसे 70 रुपये था, अब 90 रुपये हो गया है। अच्छा, अब जो रास्ते की सवारियां हैं उनको तो परेशानी होगी ही इस प्रकार से, तो क्या किसी प्रकार की शिकायतें भी लोगों ने करी हैं कि भाई हमारे लिए कोई व्यवस्था यहाँ तक रानी पोखरी तक जाने के लिए भी की जाए? अभी तक तो कोई इस तरह की कोई शिकायत किसी की पैसेंजर की नहीं आई है। यदि कोई इस तरह का होता तो एक व्यवस्था बना ली जाएगी कि देहरादून से ही हम रानी पोखरी तक।